बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज से हम तालीम बालगां के सिलसिले का पहली क्लास हम ले रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, ये कोर्स तकरीबन 3 महीने तक रोज़ाना 20 मिनट या आधे घंटे की वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचेगा। आप इस कोर्स में मेरे साथ रहिए और जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ उसको आप समझते जाइए, उस पर अमल करते जाइए। हम 3 महीने के आखिर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू की तरह, जैसे उर्दू में आपने देखा, इंग्लिश के भी अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? दरअसल जो आवाज़ें होती हैं उन आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं जो आवाज़ को ज़ाहिर करती हैं। इन तस्वीरों को आप क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हम सीख रहे हैं। सबसे पहले ये है ए। ठीक है, इसकी आवाज़ है ए, जैसा ये लफ्ज़ है वैसी उसकी आवाज़ है ए। ठीक है, ए। ए के बाद बी। ठीक है, बी, बा, इसकी आवाज़ होगी बा। ठीक है, बी के बाद सी। सी की आवाज़ होती है का, का, काफ की आवाज़ होती है इसकी। दिखने में ये सी है बोलने में, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो क्या है? का है, का। सी के बाद डी। डी की आवाज़ डा, डा। ठीक है, उसके बाद ई। ई की आवाज़ जैसे ये लफ्ज़ है वैसी आवाज़ है ई, ई, एम ई, मी, ऐसे। ई के बाद एफ। एफ की आवाज़ है फा, फा, फ्लैग, फा, फ्रूट। ठीक है, उसके बाद है जी। जी की आवाज़ है गाफ की, ग्रेट, गुड, ग्रैप्स, गिजी, जी, जी, गाफ की आवाज़। बोलने में जीम निकल रहा है लेकिन आवाज़ जो है वो यहाँ से निकलेगी, गा, ग्रैप्स। ठीक है, जी के बाद एच। एच क्या है? हे, हा, 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 हैन, हॉट, है, हा, ये एच है। ठीक है, हा। एच के बाद आई। आई की आवाज़ जो है वो ई की आवाज़ भी निकलती है और आई की भी निकलती है। हम जब मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल सीखेंगे उस वक्त पता चलेगा कि किस वक्त इसकी आवाज़ ई की तरह निकलेगी और कब इसकी आवाज़ आई की तरह निकलेगी। आई। आई के बाद जे। ये जे, जी, ज, जावेद, जमाल, जादू, जे, सही है, जेट, ये है आवाज़ जे की। जे के बाद के। के की आवाज़ का, क्या, ब्लैक, क, क। ठीक है, के बाद एल। एल, ल, लैम्प, ल, लैम्प, सही है, लोड, लव। एल के बाद एम। एम वही, म, म, मैन, मैन, मैंगो, मैं, मैं, मैन, मैंगो। एम के बाद एन। एन, एन, नर्स, नर्स, सही है, नॉट, सही है, नेल। ठीक है, नर्स, नेस्ट। एन के बाद ओ, तो ओ की आवाज़ है ओ, जैसा ये लफ्ज़ है वैसी इसकी आवाज़ है ओ, सही है, पी, ओ, पो, ओ, ओ के, ओल, सही है। ओ के बाद पी। पी, पी, पी की आवाज़ कैसी है? प, पा, पा, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, प्राइवेट, पा। ठीक है, पी के बाद आर। आर की आवाज़ रा, रा, राशिद, रेल, रन। ठीक है, ये आवाज़ निकलती है आर की। एस। एस की आवाज़ स, स्कूल, सिस्टर, स्टूडेंट, इस तरह की आवाज़ निकलती है। एस के बाद टी। टोमेटो, टोमेटो, टे, टा, ट, ऐसे आवाज़ निकलती। फिर इसके बाद यू। यू की आवाज़ अलिफ की तरह निकलती, आ। ऊ भी निकलती है, जैसे ऊबर,
सा ऊबर गाड़ी मंगाते हैं तो वो यू से आता है, ऊबर अलिफ ऊ ऐसे। उसके बाद वी, वाव की आवाज़, वेट, ठीक है। वी फॉर वैन, वैन वैन माने गाड़ी होती है ना, वैन। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू भी वाव की आवाज़ निकालता है। वाट, वेयर, सही। वॉच, घड़ी देखते हैं ना, वॉच उसको कहते हैं, वाह वाह वॉच। डब्ल्यू के बाद एक्स, तो ये काफ और सीन की मिली हुई आवाज़ होती है। ये ऑक्स, ऑक्स ऑक्सीजन, ऑक्स क्स, का और स दोनों मिल गए। एक्स में का और स दोनों आवाज़ें मिल गई, एक्स। एक्स के बाद वाई, ठीक है। वाई की आवाज़ जो है वो ये की आवाज़ निकलती है, ठीक है। जैसे वाई से याच, या ऐसे। वाई के बाद जेड, ठीक है। जेड से जे की आवाज़, जेब्रा, सही है। जे, जेब्रा, जे। तो ये थे जनाब आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब मेरे साथ साथ पीछे पीछे ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, शाबाश, ओ पी आ, एक लफ्ज़ रह गया इसमें, क्यू। पी के बाद क्या आता है, क्यू, ऐसे होता है क्यू। क्यू की आवाज़ होती है काफ की, कायद आज़म, ठीक है। पी के बाद हम भूल गए क्यू लगाना, पी के बाद क्यू, क्यू की आवाज़ क्या है, का, कायद आज़म। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये थे, ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम गिने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 और 6, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, और उर्दू में हमने देखा था उसके अल्फ़ाबेट्स 38 होते हैं। उसकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं बुनियादी साउंड, वो 38 हैं, ठीक है। दोबारा से एक मरतबा फिर पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको भी आपको कई बार पढ़ना है ताकि आपको हरूफ की पहचान हो जाए और उसकी आवाज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाए। जब आपको ये महसूस हो कि आपको ये समझ में आने लगा है, तो फिर आप इसको उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा पढ़ने से आपको पता चलता है कि आया हरूफ आपको याद हो गए हैं या याद नहीं हुए हैं। तो मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार मेरे साथ उल्टा पढ़ें, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम
एल के जे आई एच, एच के बाद जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है, ये सारे हरूफ थे, इनको आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कहते हैं और ये कैपिटल लेटर्स हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स तीन तरह के होते हैं। पहले कहलाते हैं कैपिटल लेटर्स, नाम वगैरह जब आप लिखते हैं तो शुरू में आपको कैपिटल लिखना होता है, और दूसरे होते हैं रीडिंग लेटर्स, यानी जब आप किताब पढ़ेंगे उस किताब में ये बहुत कम यूज़ होंगे, इनकी जगह जो स्मॉल लेटर्स हैं वो किताब में रीडिंग मटेरियल के तौर पर जो जो लिखा जाता है, कंप्यूटर की टाइपिंग है या किसी किताब को आप पढ़ रहे हैं उस किताब में जो हरूफ लिखे हुए आएंगे वो ये वाले बहुत कम होंगे, ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स होंगे। हम अगली क्लास में स्मॉल लेटर्स को भी स्टडी करेंगे। और फिर तीसरी किस्म के लेटर होते हैं जो राइटिंग के दौरान, जब आप हाथ से लिखते हैं कोई पेपर के ऊपर, तो वहाँ पर आप जो लेटर्स लिखना शुरू करेंगे वो लेटर्स कहलाते हैं राइटिंग वाले लेटर। तो इस तरह से लेटर्स की तीन किस्में हो गई हैं, एक कैपिटल लेटर, ठीक है, एक स्मॉल लेटर, और एक वो लेटर्स जो राइटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको राइटिंग के लेटर्स के साथ साथ जो रीडिंग के लेटर्स हैं, जो जो बुक्स के अंदर लिखे हुए आते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, दोनों लेटर्स का मुताला हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में आप सबसे पहले इन लेटर्स को अपनी कापी में, जैसे कि ये लिखे हैं, इस तरह नहीं लिखिएगा पी के बाद क्यू, ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि क्यू की जगह आर, आर की जगह एस, ऐसे इसको सही करके लिखिएगा तो जेड इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप कापी में सलीके से इसको लिखिए और लिख कर इसको खूब अच्छे तरीके से याद कीजिए, ए बी सी डी ऐसे पढ़ें। जब आपको महसूस हो कि याद हो गया तो फिर आप नीचे से पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, उल्टा पढ़ें, सीधा पढ़ें। हर दफ़ा पढ़ने से आप अगर सलीके से पढ़ जाएं बग़ैर अटके तो इसका मतलब है अब आपको ये अल्फ़ाबेट याद हो गए हैं और ये आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब हम अगली क्लास में कल आपको स्मॉल लेटर्स सिखाएंगे।